अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का आखिर मकदम है। कैसे 2024 की मंसूबाबंदी भाजपा की जानिब से की जा रही है, इसका एहसास अभी से होना शुरू हो गया है। हाल ही में वजीर आजम मोदी यूएस और मिस्र का सफर कर भारत लौटे हैं। वैसे इनके अब तक के तमाम सफर कितने कामयाब हुए सभी जानते हैं, लिहाजा इन्हें फिक्र किसी तरह से कुर्सी बचाने की है। और कुर्सी तभी बच सकती है जब तक ये हिंदू मुसलमान न किया जाए। और अब इसमें मोर्चा संभाला है वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने। अचानक इन्हें पसमानदा मुसलमानों की फिक्र होने लगी और कह रहे हैं कि पसमानदा मुसलमानों पर मुसलमानों की ही ऊंची जात के लोग जुल्म सितम करते रहते हैं। और अब साथ में उन्होंने कॉमन सिविल कोड का भी मौजूद जेर बहस रखा है और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने डंडा मार के कहा है कि जो है कॉमन सिविल कोड को नाफिज करो। अब अचानक मुसलमानों की फिक्र इन्हें क्यों होने लगी, ये भी कुछ अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। पहले उन्होंने क्या कहा इसे सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं, मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमंदा भाई बहन है, जो पिछड़े हुए हैं, ये सब इतने पिछड़े रहे हैं, इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है। भाइयों बहनों, इस भेदभाव का नुकसान उनकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा। मुसलमानों की फिक्र करते हुए कहा कि पसमानदा मुसलमान एक दबा कुचला तबका है। अब हकीकत की तरफ आते हैं और कितनी मुसलमानों से इन्हें मोहब्बत है ये भी हम जब से मोदी गुजरात के वजीर आला रहे हैं तब से देख रहे हैं। खैर, पसमानदा तबकात का जिक्र करना ये भी एक साजिश है मुसलमानों को बांटने की और अक्सरियत हिंदुओं को मुत्तहिद करने की। बात बड़ी संजीदा है, इसे समझने की जरूरत है, क्योंकि कर्नाटक में पसमानदा तबके को ही तो 4% रिजर्वेशन दिया गया था। 1994 में मंडल कमीशन की सिफारिश के तहत मुस्लिमों की कुछ जातियों को ओबीसी के तहत रिजर्वेशन दिया गया था, पर बम्बई की भाजपा हुकूमत ने इसे रद्द कर दिया। और इस बात पर वजीर दाखला अमित शाह ने फख्र करते हुए बम्बई को मुबारकबाद भी दी थी। दरअसल 1984 में चिन्नप्पा रेड्डी कमीशन में ही पिछड़ी जातियों को, जिसे अब वजीर आजम मोदी पसमानदा कह रहे हैं, 32% में से 4% मुसलमानों को दिया गया था। जिस पसमानदा मुसलमानों की फिक्र अब मोदी को हो रही है, शायद इन्हें मालूम नहीं कि इन्हीं गरीब पसमानदा मुसलमानों को ही इनके हिमायती मॉब लिंचिंग के जरिए जान से मार देते हैं। और अब तक यही साबित हुआ है, आप पूरी फहरिस्त देख सकते हैं। अखलाक तबरेज अंसारी, जुनैद पहलू खान से लेकर हाल ही में जिन्हें जिंदा जला दिया गया नासिर जुनैद तक, सभी पसमानदा मुसलमान ही तो थे। और अब किस पसमानदा मुसलमान की बात वजीर आजम कह रहे हैं, मतलब मुसलमानों में फूट डाला और कॉमन सिविल कोड के मसले को उछाल कर अक्सरियत हिंदुओं को मुत्तहिद करो। इससे पहले भी भाजपा के सुब्रमण्यम न्यूज चैनल को बताया था कि हमारा मकसद ही यही है कि मुसलमानों में मसलकों के जरिए जातियों की बिना पर इनमें झगड़े लगाना, फूट डालना और हिंदुओं को मुत्तहिद करना। खैर, अब मुसलमानों की बात करते हैं। यकीनन जैसा उन्होंने कहा, मुसलमानों में इत्तेहाद की कमी है और यह कमी मुसलमानों की जहालत की वजह से है, वरना तो दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब इस्लाम ही तो है। आखिर क्या वजह है कि आज भी इतना मुसलमानों को लेकर गलत नैरेटिव, प्रोपोगंडा, झूठ फैलाने के बावजूद भी सबसे तेजी से क्यों फैल रहा है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह एक रिपोर्ट के मुताबिक यही बताई गई कि मुसलमानों में इत्तेहाद एकता को बहुत अहमियत दी जाती है। और इसकी दलील नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा, जिसमें कहा गया कि किसी अरबी को गैर अरबी पर, काले को गोरे पर, अमीर को गरीब पर किसी तरह की फजीलत नहीं है। और इस खुतबे ने गैरों के दिलों में वो जगह बना दी जिससे आज भी लोग जौंक दर जौंक इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। तभी तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, यानी महमूद बादशाह और अयाज गुलाम, कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। मुसलमानों में किसी तरह का कोई फर्क नहीं है। आज भी दुनिया के किसी भी मस्जिद में जाकर देखो, तमाम मुसलमान कंधे से कंधा लगाकर नमाज अदा करते हुए पाएंगे। हज का दौर चल रहा है, कल ईद है, हज के लिए दुनिया भर में मुसलमान जमा हुए हैं और यही इस्लामी भाईचारे की मिसाल है। नबी ने इस उम्मत को शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ा किया है, पर यह भी उतना ही सच है कि जहालत, गैर इस्लामी तरीके, तहजीब, कुछ मुफाद परस्ती ने कुछ हद तक इसमें दरारें जरूर लाई हुई है। और दरारें उस वक्त ही आ जाती हैं जब कोई इसमें दरारें लाने की कोशिश करता है। अब एक बार फिर वजीर आजम मोदी को मुस्लिम मोहब्बत जाग उठी है। खुद तो कभी
अपने औरतों के साथ इंसाफ दिलाने से रहे, पर इन्हें मुस्लिम खातूनों की बड़ी फिक्र रहती है। इस पर भी एक रिपोर्ट है, कभी तफसीलात पेश किए जाएंगे। आखिर कौन रहता है पसमानदा मुसलमान, जिसके फहरिस्त वजीर आजम गिना रहे थे, जिन्हें भाजपा आरएसएस बजरंग दल के लोग इन्हें मारते हैं, इनकी मॉब लिंचिंग करती है। वही तो पसमानदा मुसलमान जो सड़क के किनारे ठेला लगाकर दो वक्त की रोटी के लिए अपनी जिंदगी से जद्दोजहद करता रहता है। हाल ही में उत्तरांचल से मार भगाया गया सब्जी फ्रूट बेचने वाले मजदूर जिसका नाम पहलू खान था, आप ही के भगवा ब्रिगेड ने बेरहमी से कत्ल किया था। क्या कभी इन पसमानदा मुसलमानों की मौत पर ट्वीट करके अफसोस जताया था? अभी मोहब्बत क्यों उमड़ पड़ रही है? वजीर आजम से गुजारिश है कि 2024 को मद्देनजर रखकर इस तरह की सियासत ना करें, क्योंकि कर्नाटक में इसी तरह रिजर्वेशन की आग से खेलकर हाथ जला लिए हो। उत्तर भारत में थोड़ा बहुत कामयाब जरूर हो सकते हो, लेकिन दक्षिण में तो उम्मीद बेकार है। यकीनन हम जानते हैं कि इसके पीछे भी धर्म के ध्रुवीकरण की राजनीति है, आपकी मुस्लिम मोहब्बत के पीछे की साजिश यह आवाम भी बखूबी जानती है। इससे मुसलमान ही वाकिफ है, ऐसा इससे ना समझे, क्योंकि उमूमन हिंदुत्व ही की बात होती है तो बेहतर है आप हिंदू समाज ही के लिए अच्छे काम करें, क्योंकि आप पर अब लोगों का भरोसा भी नहीं रहा। तभी तो कर्नाटक में बजरंग दल पर पाबंदी की मांग करने के बावजूद भी हार का मुंह देखना पड़ गया। अवाम रोजमर्रा की जिंदगी के मुद्दों पर हुकूमत चुनना चाहती है। महंगाई बेरोजगारी को बगल देकर आप कॉमन सिविल कोड और पसमानदा मुसलमानों के फिक्र के मौजू 2024 के चुनावी पिटारे में से जरूर निकाले हैं, पर कामयाब नहीं होंगे। वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों को भी बेदार होना होगा, क्योंकि तारीख गवाह है, अब तक कौम के गद्दारों ने ही बड़ा नुकसान किया है। किसी के नकली मोहब्बत की जरूरत इस समाज को नहीं है, क्योंकि कलमे तैयबा ही काफी है उम्मत को जोड़ने के लिए। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।